ये ऑरायन के सामने का फूल है, पॉन्ड है, खूबसूरत वाटर बॉडी, और इसके किनारे बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, आधुनिक भारत के विकास का नज़ारा। और ये देखिए ऑरायन, जहाँ मैंने आपको बताया था गीजा के पिरामिड का अलाइनमेंट ऑरायन नक्षत्रों के साथ ही किया गया था, इतनी बड़े इमारतों का निर्माण, और उन्हीं के नाम पर इसे भी ऑरायन भी रखा गया है। और जैसे ही ऑरायन का नाम आता है दिमाग में कौन जाता है गीजा के पिरामिड। शायद यहाँ भीतर मॉल है, मैं वहाँ से ही बाहर आई हूँ अभी घूमकर, और खाने की भी अच्छी व्यवस्था है, तो लंच वहीं किया जाएगा। वहाँ देखिए ढेर सारे खाने के तस्वीरें लगाई हुई हैं, जिसे देख के आपको खुद ब खुद भूख लगेगी। और ये देखिए यहाँ सामने खूबसूरती से स्टोन को जमाया गया है, उन स्टोन को जिसे प्रकृति ने खुद रंग और रूप दिया है, जिसे संवारा और संवारा है, जिसे हम बच्चेपन में आलू पत्थर कहते थे वही। और यहाँ पानी की हल्की हल्की लोरें उठ रही हैं जैसे समंदर में कोई एक कंकड़ी फेंक दिया है, जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई एक धमाका कर दिया है। और इधर से ऊपर से जल धारा गिर रही है, जैसे लगता है चीप के जटा से गंगा धरती पे आ रही है, आगे भी ऐसा ही नज़ारा है। और ये सामने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सुनहरा सा नज़ारा गंगा शिव की, तो एक ही जटा है लेकिन यहाँ अनेक है, क्योंकि ये नकली है, उसका प्रतिरूप है, यहाँ से भी पानी गिरता है, गंगा तो याद आएगी ही, पर हमारे आदि आदि शिव तो हमेशा याद आते हैं। आप देखिए और आनंद लीजिए, जो भी आर्किटेक्चर है बहुत ही गहन सोच विचार के बाद बनाया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी कभी आइए, देखिए, महसूस कीजिए यहाँ की नमी, यहाँ का भीड़, यहाँ के लोग और यहाँ के सारे नज़ारे। अच्छा तो मैं अब जा रही हूँ खाने, है ना, भूख मिटाने, फिर आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।